नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो संत कवियों से संबंधित जो स्थल थे, प्रसिद्ध स्थल थे, उससे है। उसी को हम ट्रिक के माध्यम से लिंक करके याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि इसका सत्संग स्थल कहाँ है, किसका मृत्यु स्थल कहाँ है। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज करती है। तो मुझे लगा इस पे आप लोगों को वीडियो देना चाहिए, इसको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहिए। तो देखते हैं हम क्या है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित स्थल, जो संत कवि थे, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे, उनके कहीं ना कहीं समाधि स्थल होते हैं और सत्संग स्थल है, मृत्यु स्थल है। तो यही सारी चीजें घुमा फिरा के पूछता है। संभरा स्थल किससे संबंधित है, अगर पूछता है तो किससे संबंधित है, जमुना। अब इसको कैसे ट्रिक बनाएंगे, हम देख रहे हैं कि संभरा में भी भाव है और जम्भ में भी भाव है। संभरा में भी भाव है और जम्भ में भी भाव है, तो संभरा स्थल किसका हो जाएगा, जम्भनाथ का हो जाएगा। लगभग सेम बोलने पे वही से लगभग उच्चारण हो रहा है, संभरा स्थल और जम्भनाथ एक जैसे लग रहा है। ये क्या है, समाधि स्थल है। इसके बाद है अलक दरीबा, ये बहुत पूछा गया है, सत्संग स्थल है दादू दयाल का। किसका है, दादू दयाल का अलक दरीबा। और एक दादू दयाल का और है, भराने है, जो कि राजस्थान में है। इनका मृत्यु स्थल पूछ देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। दादू दयाल का अगर मृत्यु स्थल पूछता है तो भराने कहेंगे, लेकिन अलक दरीबा अगर पूछता है तो सत्संग। अब इसको कैसे याद करें, हम देखते हैं कि जहाँ पे सत्संग वगैरह होता है वहां पे दरबार लगा होता है ना। जहाँ पे सत्संग वगैरह होता है वहां पे दरबार लगा होता है, और दरबार लगेगा कहाँ, जहाँ दादू रहेंगे, जहाँ दादा रहेंगे। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं कि बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताते हैं, और उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा भी होते हैं। तो जब इकट्ठा होते हैं तो सत्संग की तरह एकदम रूप धारण कर लेता है और वो दरबार हो जाता है। तो क्या होगा, दरबार लगता है सत्संग जब होता है, और सत्संग कब होगा, जब दादू अपना प्रवचन देते हैं। अलग दरीबा, सत्संग स्थल, दादू दयाल, और फिर कौन है, क्या है, सांगानेर। मृत्यु स्थल किसका है, सुंदरदास का। ये बहुत पूछा जाता है, सांगानेर किससे संबंधित है, किसके मृत्यु स्थल से संबंधित है, तो कौन है, सुंदरदास। इसको मैंने ट्रिक बनाया था कि देखो, जब सॉन्ग पहले का तो सुंदरता नहीं उतनी मायने रखती थी, लेकिन अभी जो सॉन्ग गाते हैं वो लोग बढ़िया से एकदम मेकअप वेकअप करके अच्छे से माइक वाइक लगा के अच्छा लगता है। कैसी होती जो सॉन्ग गाती हैं, जो सॉन्ग गाती हैं कैसी होती है, बहुत सुंदर लगती हैं। कैसी लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। सॉन्ग सांगा को, सांगा नहीं तो कर लो सांगा को, सॉन्ग सॉन्ग कौन गाता है, जो सुंदर होती है, तो सॉन्ग सुंदरदास। और इसके बाद है भराने, भराने मैंने बताया ही, भराने में कौन होगा, दादू होंगे, भराने में दादू होंगे। हमने बता दिया था कि अलग दरीबा, दरबार दादू लगाते हैं जब सत्संग कहते हैं, लेकिन मृत्यु होने पे भराने, भराने को हमने कर लिया था घराने, घराने, घराने में कौन होते हैं, दादू होते हैं। घराना, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा घराना और खानदान क्या होता है। तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है, पिछली पीढ़ी होती है, वही मिल के क्या बन जाती है, वही एक घराना बन जाती है। तो दादू दयाल कहाँ, किससे संबंधित है, घराना, घराने से। द्वारका, सबको पता होना चाहिए मृत्यु स्थल किसका है, मीराबाई का। द्वारका पहले इनका जो जन्म होता है मीराबाई का, राजस्थान में होता है। इसके बाद ये वृंदावन चली जाती हैं। वृंदावन जाने के बाद इनको पता चलता है कि कृष्ण जो है द्वारका चले गए थे, तो वो द्वारका चली जाती हैं और वहीं पर रणछोड़ मंदिर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, यहीं पे इनकी मृत्यु होती है। और मगहर में किसकी मृत्यु होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है हिंदी के विद्यार्थियों को, मगहर में कबीर दास की मृत्यु होती है। क्यों, क्योंकि इन्होंने उस समय जो है एक अफवाह फैली थी, उसको इन्होंने क्या किया था, दूर किया, कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और कहीं और मरे या मगहर में,
तो नर्क मिलता। तो उनका कहना था कि अगर हम पूरी जिंदगी जो है गंदे काम करें, बेकार काम करें और काशी में आके मर जाए तो हमें स्वर्ग थोड़ी मिल जाएगा। तो वो अपने लास्ट समय जो है अंतिम समय में मगहर चले जाते हैं और वहीं पे कबीर दास की मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मीराबाई और उदय के गुरु से संबंधित। मीराबाई और उदय के गुरु कौन है अगर पूछता है तो कौन है? रैदास। एक मीराबाई का पद मिलता है जिससे यह सिद्ध होता है कि मीराबाई और उदय के गुरु कौन है? रैदास हैं। इस चीज को आप लोग याद रख लेना। और दादू दयाल के शिष्य कौन है? सुंदरदास। दादू में भी दा है, सुंदर में भी दा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। दादू दादू के जो शिष्य हैं कौन है? सुंदरदास। ये चीज पूछा जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो आप लोग मुझे जरूर बताना। और अगर कोई भी टॉपिक लेके आप लोगों को दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप निबंध पे आलोचना पे बनाइए, तो हम कुछ निबंध आलोचना को करवाए हैं लेकिन कुछ अभी बाकी है, उसको भी करवा देंगे। तो दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।